अस्सलाम तकरीबन आधा किलो लोबिया हमारा हो गया। अब ये हमारा इसमें डाल चुका है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, हरी मिर्चें, उसका पेस्ट, ठीक हो गया, प्याज, इस तरह हो गया। ये अब हम प्याज कटा हुआ डालेंगे, प्याज पीसना नहीं है, ठीक है। ये हमने प्याज डाल दिया। ये हमारे पास अब मसाले हैं, एक चम्मच रेड मिर्च, एक चम्मच नमक, हल्दी हमें बस थोड़ी सी डालनी है। अगर हमसे हल्दी ज्यादा भी डाल जाए तो उसका कोई इतना इश्यू नहीं है। हल्दी हमारे से अगर थोड़ी डाल भी जाए तो ये हमारी कमर दर्द के लिए बहुत अच्छी हल्दी है। ये सूखा धनिया एक चम्मच, गरम मसाला हम अब बाद में ऐड करेंगे इसको, ठीक है। अब हमारे पास लौंग, काली मिर्च, जीरा, खड़ा मसाला, अबे कताई के 2-3 पत्ते, ये हमने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। पानी हम अब थोड़ा सा हम और डाल देंगे इसके अंदर। लहसुन अदरक का पेस्ट डालना अभी इसके अंदर। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास तकरीबन 1 चम्मच है ये, ठीक है। हमने ये भी इसके अंदर डाल दिया। अब हम थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालेंगे। आगे हमने जो टमाटर का है ना पानी, वही हरी मिर्चों का पानी डाला है। अब ये हमारे पास अदरक लहसुन वाली कटोरी है, इसके अंदर भी हम इसको इस तरह हिला लेंगे, क्योंकि अदरक लहसुन हमारा जाया ना हो। इतना तकरीबन 1 मग पानी हमने डाल दिया, ठीक हो गया। अब ये हमारी सारी चीजें हो चुकी हैं इसमें मिक्स। अब हम नीचे से आंच जलाएंगे। ये देखें आंच जला दी। तकरीबन अब इसको हमने रखना है, जब इसका वेट बोलेगा ना, सिर्फ 5 मिनट हमने रखना है। फिर हम आपको दोबारा दिखाते हैं कि ये खाना तैयार होता है, तो फिर हम मिलते हैं आपके साथ। अब हमारी लाइट चली गई थी, हम इसलिए नहीं आपको दिखा सके कि हमने इसके अंदर घी डाला था और थोड़ा सा हमने दही डाला था, ठीक है। अब ये देखें अब हमारी हांडी कैसे तैयार हो चुकी है। अभी हमने इसको भूनना है। तकरीबन हमने आधा पाव घी डाला है इसमें, ठीक है। अब ये हमारे पास है थोड़ा सा गरम मसाला, हम इसके अंदर ही इसको डाल के भूनेंगे अच्छी तरह, ठीक है। जो इसके अंदर डाल के भूनना है ना, उसकी खुशबू ही ज्यादा होती है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर देंगे ढक्कन,
फिर हम इसको देखेंगे थोड़ी देर बाद इसकी भुनाई करके अच्छी तरह। फिर अगर किसी ने भुना हुआ खाना है तो वो भुना हुआ रख ले, जिसने अगर ग्रेवी वाला खाना है तो वो ग्रेवी बना ले, ठीक है। अब हम थोड़ी देर के लिए इसको दम पे रखते हैं कि ये भुना जाए हमारा मसाला, ठीक हो गया। तो फिर आपको आपको दिखाएंगे कि किस तरह ये तैयार होता है, ठीक। चले अब देखते हैं हम कि लोबिया तैयार हो गया, ठीक हो गया। हमारी हांडी पक चुकी है, देखें लोबिया की कितनी प्यारी शक्ल आई है। देखें अगर आपने इसको ग्रेवी वाला बनाना है चाहे ग्रेवी वाला बनाना है, फिलहाल हम ग्रेवी वाला नहीं बना रहे, हम भुना हुआ बना रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको मसाले बताए थे उसी तरह आप डालें तो इंशाल्लाह ताला खाना देखें कितने अच्छे तरीके से बनता है। अब हम इसको डालते हैं प्लेट में, फिर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारे पास जो है, मैंने आपको पहले वीडियो में यही बताया था, बर्तन भी देखें हम लोग अच्छे इस्तेमाल करते हैं, खाना भी हम अच्छे तरीके से बनाते हैं। देखिए जैसे भी है मसाले हर चीज़ डालें, जो नहीं है तो कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह देखें हमारा खाना कितना बना है। लोबिया खाएंगे आपको पता चलेगा कि लोबिया किस तरीके से बना है और कितना अच्छा और लजीज बना है, ठीक है। आप ट्राई करिएगा, अगर आपको ना समझ आए तो दोबारा मेरे साथ आप बात करें, फिर मैं आपको बना के दूंगी, ठीक है इंशाल्लाह। कल तक के लिए हमें इजाजत दें, कल आपके साथ हाजिर होंगे खाना नई डिश लेके, ठीक है। अब मानो शुदा जी को इजाजत दीजिएगा, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।